जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भैंस डोके करती है लेकिन वो हीट में यानी कि गर्मी में नहीं आती। तो सबसे पहले जो हमारे नए पशुपालक भाई हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि डोके किसे कहते हैं। दोस्तों, जब भैंस हीट में आनी होती है तो उससे हफ्ता 10 दिन पहले भैंस 3-4 दिनों के लिए अपने थनों में पूरे दिन दूध रखती है, यानी कि भैंस के जो थन हैं वो पूरे दिन दूध से भरे हुए दिखाई देते हैं, तो इसी कंडीशन को डोके करना कहते हैं। दोस्तों, आम तौर पर माना जाता है कि जब भैंस डोके करती है तो इसका मतलब ये है कि वो हीट में आने वाली है। और दोस्तों, जब भैंस डोके 3-4 दिन डोके करती है उसके बाद तार देती है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी भैंस हीट में है और आप उसे गाभिन करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, समस्या कहाँ आती है? जब आपकी भैंस लगातार डोके करती है और वो तार नहीं देती, हीट में नहीं आती। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी भैंस लगातार डोके कर रही है, तार नहीं दे रही, हीट में नहीं आ रही, तो आपको वहाँ समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, किन्हीं नुस्खों को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ डॉक्टर से संपर्क कीजिए और उसका चेकअप करवाइए कि कहीं उस भैंस की डिम ग्रंथि में कोई सिस्ट तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो उसका इलाज करवाइए। उसके बाद आपकी भैंस निश्चित ही गाभिन हो जाएगी, हीट में आ जाएगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने किसान भाइयों के साथ वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।